कि कैसे भी करके इज्जत बची। पहले आप ये सवाल बताइए, 100 सीटें आपकी कम कैसे हुई? ये तो आपके लिए हार की बात है। बिल्कुल हार की बात नहीं है, ये लोग चाहते हैं 300 के ऊपर। 300 मतलब आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। 300 के ऊपर का टारगेट रखा था, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। अभी मेरी बात सुनिए, लोकतंत्र है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, हम भी। अच्छा, ये विपक्ष के लिए तो आप मान लीजिए कि आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। आप मान लीजिए कि आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए अभी। अरे हमारा टारगेट पूरा है, आप टेंशन ना लीजिए। नहीं, हार जीत की बात छोड़ दीजिए, हार जीत की बात छोड़ दीजिए। अभी रुकिए, अभी एक पंडित जी हमारे पता है भाजपा के प्रवक्ता कैसे बैठे हैं चुनाव में। इतिहास नहीं, इतिहास इस चीज को रखना नहीं बोलते हैं। इतिहास बोलते हैं जब आप अखिलेश यादव की तरह 400 सीटों के लिए आप कॉन्फिडेंट। आप तो 300 सीट भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। अरे आप टेंशन ना लीजिए मिश्रा जी, देखिए अभी परेशान हो ये। अरे टेंशन हम नहीं मिश्रा जी ने, ये देखिए ये तस्वीरें, ये आम आदमी पार्टी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस वक्त पंजाब में जश्न मनाने की तैयारी कर चुकी है। भंगड़े डर रहे हैं, ढोल नगाड़े शुरू हो चुके हैं। और ये दिल्ली की तस्वीरें, माफ करिएगा, ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें, प्लीज एम्बियंस उठाइए और ये तस्वीरें अनीता मैडम को भी दिखाइए। अनीता मैडम देख रहे हैं, पंजाब में झाड़ू आपकी उम्मीदों पर फेर दिया केजरीवाल ने, पंजाब में झाड़ू फिर गया। अनीता मैडम क्या हुआ? अनीता मैडम कांग्रेस की उम्मीदों पे झाड़ू फिरा है, वहाँ पे वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की उम्मीदों पे झाड़ू फिरा है, हमारी सरकार नहीं थी वहाँ पे। अच्छा, कोशिश कर रहे पंजाब में तो आपका पंजाब में कोई टारगेट नहीं बनाया था। अब की बार इतने पार उतने पार, पंजाब में तो चार सीटें दिखाई दे रही है मुझे, चार। देखिए पंजाब में जितनी भी सीटें आ रही है हमारी, पहले से ज्यादा ही आएंगी, कम नहीं आएंगी। हमने पहले अकेले होकर लड़े, अकेले दम पे बीजेपी लड़ रही है वहाँ पे। अच्छा, बड़ी बात है। एक कमेंट आया है कि लगता है पंजाब यूक्रेन बनने वाला है, वहाँ पे कांग्रेस की उम्मीदों पे। अच्छा, वहाँ पंजाब से कोई उम्मीद नहीं थी आपको? तो प्रधानमंत्री प्रचार करने क्यों गए थे वहाँ पर? देखिए हम कह रहे हैं कांग्रेस, अरे हमारा तो पूरा देश है, पूरे देश में जाएंगे प्रचार करने। हम तो सब जगह रहे, जहाँ पे कांग्रेस की उम्मीद को पानी फिरे वो कांग्रेस बताए ना, वहाँ हमारी सरकार तो थी नहीं, हमारी जहाँ सरकार थी थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। नहीं नहीं, पंजाब में अगर 84 सीटों पर रुझान में आम आदमी पार्टी 84 सीटों पर दिखाई दे रही है। अनीता मैडम, रुझान में 84 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, जनता को आम आदमी पार्टी देख ले, अगले बार वो देख ले कि आम आदमी पार्टी आप क्या तो, किया है। नहीं नहीं, आप तो अकालियों से भी पिछड़ गए। आम आदमी पार्टी क्या, आप अकाली से भी पिछड़ रहे हैं, अकालियों से। पंजाब में क्या कर रहे हैं आप? अपने सहयोगी रहे, अकालियों से पिछड़ रहे हैं पंजाब में, अकाली। आने वाले समय में उनके भी आंखें खुल जाएंगे, लौट के आ रहे हैं। ओके खान साहब, पंजाब भी गया हाथों से। जहाँ हमारी सरकार है वहाँ सब जनता ने भरोसा हम पे जिताया और सब जगह आ रहे हैं। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनकी सरकार जा रही है, उनसे भरोसा टूट रहा है जनता का। ये कांग्रेस को ज्यादा सोचना चाहिए हमसे। ओके ओके, लेकिन ये खान साहब पंजाब से भाजपा के प्रवक्ता, पंजाब से कांग्रेस, पंजाब भी गया। तिलक जी प्रतीक्षा कीजिए, परिणाम आ जाने दीजिए, अभी कोई गया नहीं है, कोई आया नहीं है। साहब 16 सीटें रुझान है अभी, कांग्रेस 16 सीटों पर बढ़त बनाए है, बस महज 16 सीटों पर। मैं 117 सीटों के आंकड़े बता रहा हूँ आपको। अंतिम परिणाम नहीं है तिलक जी, अंतिम परिणाम नहीं है, बहुत ही शुरुआती रुझान है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। अच्छा, अभी इसमें भी प्रतीक्षा करें, उसके बाद मैं आपको टिप्पणी दूंगा। अच्छा, उसके बाद पक्का पक्का पक्का, कब तक इंतजार रहिए आप? पंजाब भी जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी जीत रहे हैं। 12 बजे तक का, 12 बजे तक का प्रतीक्षा कर लीजिए। पंजाब भी जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी जीत रहे हैं, उत्तराखंड भी जीत रहे हैं, जनता का जो उत्तराखंड भी जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तिलक जी को थोड़ा सपना देखने दीजिए, 12 बजे तक सपने देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तो हकीकत में आना ही है। अच्छा, 12 बजे जागेंगे। देखो अहंकार, देखो कैसे अहंकार बोल रहा है इनका, भाजपा प्रवक्ता। अहंकार नहीं बोल रहा है,
जनता का भरोसा बोल रहा। देखिए देखिए ना, समय बीतने दीजिए। अब एक और बड़ी खबर तो चलिए ठीक है, पूरा भरोसा हमने जनता के काम किया। दो सीट पे कांग्रेस, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी बेगैरत वाली परफॉर्मेंस। मुझे, मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा हितैषी हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कभी ये। अच्छा, आप कांग्रेस के भी हितैषी हैं? कम से कम 15-20-25 सीट भी लाते मिश्रा जी, हम समझते। मिश्रा जी कांग्रेस कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं, कांग्रेस मेरी बात मान ही नहीं रही है। हमने तो देखिए, मैं तो मान लेता हूँ। हाँ, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे कांग्रेस, रुक जाइए। और कांग्रेस की ये दुर्दशा कि इतना अनुभव ले करके अगर ये हालत हो रही है तो कोई कैसे ज्वाइन करे? पंडित जी, मिश्रा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आप आइए। पंडित जी, एक मिनट, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है आकाश पंडित जी। हम तुम्हें भी ले डूबेंगे आकाश पंडित जी, एक सेकंड। जिसके साथ गई हम तो डूबेंगे, तो हमें मत डुबाइए भैया, हम जानते हैं हमें नहीं डूबो पाएंगे आप। एक मिनट पंडित जी, बोल रहे थे आप हितैषी हैं, फिर आप बोल रहे हो। ओके, एक मिनट आप पूर्वांचल का अपडेट लेके हेमंत को लाइन अप करिए। एक मिनट हेमंत जी को लाइन अप करिए प्लीज, पूर्वांचल का अपडेट लेंगे, पूर्वांचल से कई बड़ी खबर आ रही है। एक मिनट पंडित जी, पंडित जी एक बड़ी खबर आ रही है मेरे पास। बड़ी खबर ये आ रही है कि राकेश टिकैत किसान नेता, उनके इलाकों में बीजेपी आगे चल रही है। अभी मेरे पास सिर्फ खबर आ रही है, दो राउंड की गिनती पूरी हुई है वहां पर। और जसवंत नगर से भार्गव जी खबर ये आ रही है, जसवंत नगर से शिवपाल पीछे चल रहे हैं, शिवपाल और बीजेपी के पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। लेकिन पंडित जी भाई, अभी रुझान ही तो है ना, रुझान ही तो है या कुछ और है? अच्छा, ये रुझान आपके पक्ष में होते तो आप कहते वाह बहुत बढ़िया। नहीं, हमने देखिए, हमने कहा ना, हाँ, हमने कहा ना अभी पिक्चर तो बाकी है, देखते रहिए भाई। हाँ, हम आज भी अभी आश्वस्त, हम फिर बता रहे हैं। हाँ, जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसे हम पे भरोसा है। हाँ, हम उसके आगे कुछ नहीं कह सकते। ओके पंडित जी, हमने जनता को जगाया है, हमने जनता को जनाया है, हमने गरीब दुखियों को बताया है। अब कितने नारे लगाओगे, रुक जाओ, अब नारे तो खत्म हो गए ना। अब नारे खत्म हो गए कि आए जो दुगना कर रहे थे बाबा जी का ललका सांड, उसको भी हमने जनता की। अब आए दुगनी और सांड सांड की बात करते, सुनिए चावला जी। एक मिनट पंडित जी बहुत देर से वेट करें। मुझे एक बात बताइए, राकेश टिकैत के इलाकों में खबर आ रही है कि बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है, समझ रहे हैं आप इसका मतलब? लखीमपुर से भी खबर ये आ रही थी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। पंडित जी ये क्या हो गया? चावला जी, किसान नेताओं ने या किसानों ने जब आंदोलन भी चल रहा था तो सभी लोगों ने ही मिलकर के, जब देश में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने थे तो सभी किसानों ने ही वोट किया था। तब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने थे। ये लोगों ने एक जबरदस्ती का मन में भ्रम डाल करके रखा हुआ है, जिसको जो भी सत्ता में बैठेगा उससे प्रश्न किया जाएगा। नहीं नहीं, आपने वोट की चोट कहा, आप उस पर आइए, वोट की चोट क्यों नहीं पहुंची इन रुझानों के मुताबिक? मैं वही, अगर पश्चिम बंगाल में वोट की चोट मारी तो यहाँ क्यों नहीं? मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि कभी क्या राकेश टिकैत जी ने या अक्षांत पंडित ने या किसी भी किसान नेता ने ये कहा था कि किसको वोट किया जाए? अच्छा, लेकिन ये जरूर कहा गया, ये भी नहीं, ये जरूर कहा गया है 100%, ये जरूर कहा गया है कि जो भी किसानों के लिए ना काम करने वाले लोग हैं उनको वोट ना किया जाए।